तो भाई संदीप गैंगस्टर जिसने की रेल की पटड़ी बेच दी और प्रशासन इतना डर रहा है कि भाई वो रेल भी बेच सका है और ऊपर उड़दा आजाद भी बेच सका है, फिलहाल तो कोनी लेकिन बेच सका है। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं उसे की पड़ताल खतर बैनी महाराजपुर, जिसके ऊपर आरोप है कि रेलवे का 4 करोड़ का लोहा यानी कि रेलवे लाइन बेच दी। रोहतक तय हिसार का जो ट्रैक बिछा जाने लग रहा है ओड़े की रेलवे लाइन बेच कर खा गया संदीप गैंगस्टर 4 करोड़ बिल्कुल। तो उसे की पड़ताल खतर फिलहाल हम पहुंच गए हैं बैनी महाराजपुर। कैमरामैन विक्की दिखा दे एक बार पूरा काम दिखा दे भाई। और हाँ जी किस है यू कित गए? हाँ जी भाई साहब संदीप गैंगस्टर का ठिकाना किस है? पता नहीं जी, मैं बाहर गया हूं जी। बाहर गए हो? तू कौन से काम का? अड़े गया हूं भाई। तू है तो नहीं ये? संदीप गैंगस्टर का ठिकाना किधर है? गैंगस्टर तो है कौन भाई? संदीप तो जमा सरी बालक है। सरी बालक है घना सरी शहर। ठिकाना बता तू मैंने एक बार। यो घर हाड़े प्राण है नुन्ना है। चल राजूरा आज भाई जरा पड़ताल करांगे और संदीप का घर देसी रेड मारांगे। और उसमें जो खुलासा अगर मैं बात करूं तो रेलवे ने जो FIR दर्ज करवाई थी 4 करोड़ का मामला, उसकी पड़ताल खतर फिलहाल हम पहुंच गए हाँ। उस तो इसमें 25 गिरफ्तारी हो रही है भाई इसमें, और कई सारा इस तरह का मामला है यू जिसमें यह डायरी मारदर है भरी पड़ी है। इस डायरी की अगर मैं बात करूं तो यह डायरी पूरी की पूरी भरी पड़ी है। और दुबई कनेक्शन बैनी महाराजपुर के दुबई कनेक्शन की अगर मैं बात करूं तो उसकी पड़ताल खतर फिलहाल कौन सा यही बताओ जागिर है भाई साहब? अरे संदीप गैंगस्टर का ठिकाना है भाई साहब? संदीप गैंगस्टर का ठिकाना यू है कि संदीप गैंगस्टर है भाई मारे तो जो जानकारी है वो यही है। गैंगस्टर क्या कहा यो? यो तो अपने किधर किधर हो संदीप? संदीप तो यो रहा यो खड़ा पहलवान यो है बिजनेसमैन। गैंगस्टर क्या कहा भाई? गौर तो देखियो ब्लैक गौर से देखिए इस शख्स को दिखा दे भाई नीचे तो ऊपर तीन यू वो शख्स है भाई जो प्रशासन के द्वारा मारदर जो जानकारी जो इनपुट मिली और यह डायरी जिसमें कि खुलासा होया भाई संदीप गैंगस्टर ने रोहतक तक लेकर हिसार तक की रेलवे ट्रैक जिसके लगभग 4 करोड़ का माल मटेरियल था वो बेच खाया। और ये इसका गोदाम है भाई संदीप। अच्छी बात है नहीं भाई साहब अपना इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। और ये हमने डायरी हुआ काली करी? हाँ डायरी ये जो प्रशासन है पहले भी मेरे वही इस तरह के मुकदमे दर्ज हुए हैं। नहीं, आपके ऊपर आरोप? हाँ देशी अदालत, ये देशी अदालत है, देशी इन्वेस्टिगेशन है। गाम राम भी खड़ा है, गाम राम पे भी बात करांगे और पहले गाँव वाले पूछांगे बल्कि या देशी इन्वेस्टिगेशन पहले गाँव वाले तो शुरू करा। हाँ जी रोल नंबर एक हाँ बता भाई। इसने न जो रेलवे चल रही है ठेकेदार अब माल खरीदा था लाइसेंस ले रहा और GST नंबर ले रहा है। अच्छा 25 रुपए किलो खरीद रहा है क्या मोल है? अच्छा और यो आरोप लाग रहा इसके ऊपर अगला खरीदार कोई वो दुबई में क्या का दुबई में बैठे है? ना 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 कुछ कौन बैठा ये झूठी बात कितने चला ले कुछ कौन बैठा? अच्छा यो गांव में भाईचारा की डाल और गांव में पूछ लो कि मैं बिल्कुल झूठे आरोप है। बिल्कुल झूठे मोल खरीदता है ये मोल लेता है बिल्कुल झूठे आरोप है। आपका करंट लगाएगा ना आप भी यहाँ पर जोगे? अच्छा हाँ जी करंट लगा इसके करंट अच्छी बात के 25 बालक थे करंट लगा यहाँ पर मेरा करंट लगा दे मैं भी यहाँ पर लूंगा। अच्छा 25 गिरफ्तारी भी हुई है भाई इसी 25 का आंकड़ा भी घूम फिर कांड लगे बिल्कुल क्या नाम झूठे आरोप। चलो और भी गांव के कई लोग हैं। हाँ जी क्या नाम है? धर्मु भाई पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से मेरे गांव की तरफ से राम राम। बिल्कुल राम राम। हाँ जी बोलो जी भाई साहब ये जो छोरा है एक बार और दिखा दे भाई इसके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि भाई रेल की पटड़ी बेच दी। अरनू कह रेल भी बेच सका ये छोरा, जहाज भी बेच सका है, थाना भी बेच सका है। ये बिल्कुल भाई साहब हमने यूट्यूब पर और देखा ना जो अखबार में और इनकी गिरफ्तारी भी हुई है। ये बात तो मान ले जो चल रही है कानून के हिसाब से। अच्छा लेकिन ये जो ये दुकान ले रहे हैं ना इसका ये लाइसेंस है उसको एक बार इसकी दुकान की तलाशी भी लेने आज गले गले चलते चलते बात करेंगे क्योंकि भाई इसके ऊपर पड़ गया धर्मु की देसी रेड और उसमें इन्वेस्टिगेशन में न्यू देखा इसके दौरे 147 यासला मसला बम पटाखे के मिलेगा। संदीप बताइए भाई के दाब रखे थे उड़ान से आजा देखिए भाई देखिए को दिखेगी रेल की लाइन रेलवे लाइन देखिए आड़ा कितने हाँ 30,000 की कोई रेल की लाइन है के यार ये रेल इन पर रेल चला संदीप
कौन सा ट्रैक है यू? ये गटर है जी, आपने जो आप मकान में चढ़ाते हैं जी। गटर है? हाँ जी। अच्छा रहे। हाँ जी। ये गंडासा है? हाँ, ये गंडासा है, ट्राली वराली। वो है किधर है? हथियार किधर? और ओड़ा देख रहा है, उस कूड़ में देख, ओड़ा पाओगी 147। देखिए लाइट लूट लगा के देख लो भाई। तो फिलहाल जो प्रशासन ने आरोप ला रखे हैं संदीप गैंगस्टर के ऊपर, गांव वाले ने कहे अकबई गैंगस्टर कोनी। हाँ जी, गैंग के सदस्य नहीं भाई, 20-25 साल तक गांव में आवा जा रहा हूँ। अच्छा। यो किसी गैंग का सदस्य नहीं है, शासन प्रशासन तो मेरा नहीं मन नहीं बना दे, आपने बना देगा। अच्छा। थोड़े दिन पहले आप भी गैंग के सदस्य बना दिए थे। खम्बे को मैं तार बना दूं और लाहौर में सरकार बना दूं, और सीना चीरे तो श्री राम लिखा दूं। वाह बेटे, प्रशासन शासन तो भाई देख, हम इनके बारे में तो जानते नहीं, बाकी बढ़िया बालक है, कोई ऐसा माहौल नहीं है। चलो फिलहाल पूरा गांव देखने लग रहा है, पूरा गांव देखने लग रहा है, और देसी रेड की लाइव तस्वीर संसार क्रांति के लाखों दर्शकों तक हम पहुंचाने लग रहे हैं। और नुका कह रहा हूँ, इनका डायलॉग था भाई जो सत्ता में है, बोला स्कूटर को मैं कार बना दूं और खंबे को मैं तार बना दूं, तू कहे तो लाहौर में सरकार बना दूं। तो फिलहाल इसकी देसी इन्वेस्टिगेशन देखिए भाई कितने दूं। अरे ये ताला है, ताला है, खोलो भाई खोलो। तो फिलहाल जो अरे मकान इसमें कई कई गाड़ी समाती है नीचे। चलो भाई साहब, चलो एक बार आड़ा की पड़ताल करके और फिर सीधे इनके मकान पर छापा मारेंगे। फिलहाल ये लाइव तस्वीर संदीप गैंगस्टर के घर की और गोदाम की लाइव तस्वीर। यू के दाब रखा भाई इसके नीचे? यू के दाब रखा है संदीप, दिखा के दाब रखा है, दिखाइयो भाई, टाइयो, ये देखो भाई। फिर ये कदे नोट दाब रखे हो 5-5 हजार के? देख ले, 5-5 हजार के छपे को नहीं है वैसे है? देख ले, छप जाएंगे, 5-5 हजार के? अरे छप जाएंगे जब देख ले, तो कुछ को नहीं समझ, कुछ को नहीं देख है, यो बारिश की वजह से। चलो एक बार फिर तारती दर्शकों की जानकारी मैं दुरुस्त कर दूं कि गोविंदगढ़ पंजाब में प्रशासन ने रेड मारी थी और 300 किलो की सिल्ली जो दावा किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि रेल की पटड़ी पिंगड़ाक है और उनकी 300 किलो की सिल्ली बनाई गई और 900 करोड़ का प्रोजेक्ट है। युद्ध रोहतक हिसार की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये जो पटड़ी चोरी का आरोप संदीप के ऊपर है जिसको कि गैंगस्टर भी बताया गया है और इसकी गिरफ्तारी की भी बात हुई थी। अच्छा, कुछ इसमें जो फर्म जो रजिस्टर्ड करी गई कुछ बेरोजगार बालकों के आधार कार्ड पैन कार्ड जिनके ऊपर सिम इशू करवाई गई और वह उन सीमा के आधार पर अकाउंट खोले गए जो सिम जो है वो सौरव जी कंपनी के नाम तक और इस तरह की और भी कई सारी फर्जी फर्म बना के और उन फर्म के जो मालिक हैं जो कि झोपड़िया में रहे हैं ई डाल के हालात पाओ के उनके देख दू बराबर में टूटे फूटे मकान। ऐसी बात है भाई साहब, अगर मनास्ते किसी की कॉपी भी ली हो तो किसी पैन कार्ड की, मैं जब भी मोहम्मद साहिल ने जाना तू? मैं किसी को नहीं जानता भाई। सागर ने जाना है? नहीं जानता भाई। पाल ने जाना है? नहीं पाल को मैं। आशीष ने जाना है? नहीं जानता भाई। जीएसटी ने जाना है? जीएसटी जानता होगा, 90-90 हजार रूपए एक ट्रक का गला जीएसटी का घोटाला। ऐसी कोई आप दुकान हुई एक साल कराया ने? पुनीत ने जाना? पुनीत ने नहीं जानता भाई। अच्छा, तो और भी कई सारे नाम है भाई इसमें। हरदोई का गला कनेक्शन उत्तर प्रदेश का हरदोई जो इलाका है जिसमें साहिल को गिरफ्तार कराया गया, मोहम्मद साहिल जो कि इस दुबई वाला जो कनेक्शन है गैंग का जो सदस्य है वो बताया गया। और इस मामले में लगभग 25 गिरफ्तारी करी गई है, 18% की जो जीएसटी है उसके फर्जी कागज तैयार करना। फर्जी कागज कौन तैयार कराया करता? जैन बंधु, जिसका खुलासा भी हम करेंगे, जिसका खुलासा करेंगे जो फर्जी कागज तैयार कराया करता। हाँ जी जानो संदीप गैंगस्टर ने? संदीप गैंगस्टर नहीं है। अच्छा जी। एक गांव का बहुत अच्छा व्यक्ति है। अच्छा जी। जो कि कबाड़ी की दुकान कर रहा है एक साल से लगभग। कोई तो हिम्मत जुटा लो कहने की, तो ये है ना किसी प्रकार का कोई गैंगस्टर नहीं है यो भाई, वो तो जुटाओ नहीं भाई, कोई गैंगस्टर नहीं है यो। अच्छा। वो इस तरह बड़ी आदमी गांव में कोई भी नहीं है, इसने इतने भले कर रखे गांव के बहुत गणे, किसी दशेद गणी चले आस्ती का रिकॉर्ड है कोई भी। प्रशासन ने इसने झूठे आरोप लगा इसको भीतर कराया है, पहले भी भीतर झूठे आरोप लगा कराया था, नो मर्डर लगा है, सारे झूठे आरोप लगा। चलते बात करेंगे, घर पर रेड मारा भाई, उसका असली माल मामला कराते पावे।
धार्मिक स्थल एक तो हमारे गांव की पूजा पाठ हो उसमें अच्छा उसमें संदीप ने बहुत बढ़िया सिस्टम पैसा आज भाई अगर अभी रेट मारा संदीप आज तेरी निगरानी में रेट मारे कदे नुका मारे टूम टाम थाली पैसा लगा के उड़ो तो बहुत बढ़िया काम ये देखो भाई यो एक दरवाजा का यू खुलवा दिया है कि मैं माड़ा मामला अरे यू भी रेलवे का तो नहीं है अच्छा चलो आज भाई चलो भाई फिलहाल लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो प्रशासन ने जिस आदमी को संदीप गैंगस्टर बताया है उस आदमी की पड़ताल होने लग रही है उसकी देसी इन्वेस्टिगेशन होने लग रही है और गांव वाले राम राम जी दर्शकों ने भी राम राम जी राम राम कौन सा गांव है जी आपका अपना यही अच्छा चलो कोई नहीं आ जाओ जी किसी है भाई घर हाँ जी कुछ कोई नहीं जी बनावटी बात है कोई कमा के खान लाग जाओ सुहांदा कोई नहीं पांच पांच हजार के नोट दबे पैसे के पांच हजार का नोट बनिया तो भी कोई नहीं चलो भाई आज 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 भाई आज चलो राई कितको रास्ता चलो भाई तो फिलहाल जो है संदीप घबरा तो गया होगा तू राम राम जी भाई न्यू है कदे कि मैं जहाँ तो थोड़ा थोड़ा चालू कदे हो रहा इतनी हाँ मशीन बदल दे भाई बेरा नहीं मारो दौर तो न्यू थे मारदर जो जानकारी है जानकारी का पूरा भरोटा है मारदर है संदीप ने गोविंदगढ़ की जो मंडी है लोहा मंडी उसमें रेल की पटड़ी बेच दी और 900 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था जिसमें कि रेलवे पुलिस ने जो FIR दर्ज करवाई है 4 करोड़ का मामला है यू भाई साहब वो जो करा रहे हैं आप ही नहीं इस बात का कोई मतलब है किसी थोड़ा चलिए आज तोड़े रहा पा गया मामला आज ये देखो मैं कहूँ था रहे है तोड़े आज भाई देखिए भाई राई देखिए देख चढ़ ऊपर तोड़ा है देखिए भाई देखिए ध्यान तो है पाया के माल मामला अरे इसमें तो चाकी गंडासे हैं हाँ भाई है इसमें भी ये जो खेतों में इंजन लगाए जाते हैं अच्छा और वो रद्द हो जाता है तो किसान बेच देते हैं रद्द हो पाछे अच्छा तो वो है जी ये फिर तोड़ फोड़ करके न और इसके अंदर गाड़ी के अंदर भर रखा है और इसमें देख ले बताओ इसमें और कोई रेलवे का बताओ इसमें चेक कर लो चेक कर लो एक बजा कोई सरकारी कोई भी देखिए भाई देखिए रखो सरकारी माल मामला पाओ दो आरोप लग रहे सारे झूठे हैं तो फिलहाल जो है लाइव पड़ताल चल रही है भाई संदीप जिसके ऊपर आरोप है अभी करोड़ों की रेलवे की जो संपत्ति है उसको बेचने के आरोप फिलहाल ये लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो कि गोदाम की तरह इसका आज भाई आज है अरे ध्यान तक कुदिए विकी ध्यान तक टांग टांग तोड़वाओगे तू आज भाई गोदाम की तरह इसमें नुका है यो है नुका कई कई गाड़ी समाती है इसमें कित संदीप कित घर फरार हो गया के नाड़े है हाँ भाई संदीप हाँ भाई यो गोदाम है गोदाम नहीं ये मकान है नुकाड़े रेल की लाइन बिछाई गई थी देख लो जी है? देख लो के है यार अरे उछल के देख नीचे पाओगा अंडरग्राउंड पाओगे यू यू के जोड़ तोड़ कर रहता हूँ ये जोड़ तोड़ ये है रेलवे वाला जो गाड़ी दिखा रहा है गोविंदगढ़ जो 63 लाख का वो दिखा हुआ है 3 गाड़ी जा रही है और जो गाड़ी है उसमें 10 टन पास है गाड़ी तो इस हिसाब से 30 टन गया वहां पर तो 40 रुपये किलो के हिसाब से वहाँ पर सामान है अच्छा। जो आगे भेजा मैम के कबाड़ी ने अच्छा। तो उस हिसाब से आप प्रशासन का कहना है कि नकली बिल्टी थोड़ा 100 ग्राम हटिए भाई प्रशासन का कहना है कि नकली बिल्टी तैयार करवाई गई नकली बिल्टी प्रशासन जीएसटी चुराने का भी कोई प्लान तैयार किया गया है जिसका सरगना जो है वो गोहाना बैठा है और दुबई कनेक्शन है आप नू बताओ भाई साहब जो नाम गुवाने वालों को जानते ना कभी अंडरग्राउंड का रास्ता कितको है अंडरग्राउंड है देखिए उछल के देखिए पर देखिए उछल के देखे पर तो फिलहाल तो हम देख सको भाई पूरे गांव के लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं और देसी इन्वेस्टिगेशन संदीप के गोदाम की भी और संदीप के मकान की भी फिलहाल देसी इन्वेस्टिगेशन होने लग गई यार यू सिलेंडर रेल का है यूके
पर लिया था भाई साहब, वो ठेकेदार ने दिया था। यो थैंक यू, वही देख जा रहे वीडियो भी है भाई साहब इसके, दिखा दिए वह वीडियो भाई साहब। वो कोई गिरफ्तार नहीं, मान ले मैं खरीदार हूँ, मेरा आप लेके आओगे, मैं भाई गांव का है तो लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस है भाई साहब, लाइसेंस दिखा दे मंजीत। तो फिलहाल ये तस्वीर भाई, तो तम अंदाजा लैस कहो कि संदीप के दिल पे क्या बीतती होगी जब इसको गैंगस्टर करार दिया गया, इसके खिलाफ FIR दर्ज करी गई, इसको गैंगस्टर बताया गया, जबकि पूरा का पूरा बहनी महाराजपुर गांव शादी लेने में खड़ा है। आजी शादी कौन कौन ले रहे? निर्दोष है, शादी नहीं है तो अपना खरीदार इसके दे तो आओगे तो लेगा ये तो पड़ोसी हो? हाँ पड़ोसी हम तो। चलो नुका पड़ोसी जिसकी शादी ले लिया, आजकल तो पड़ोसी पड़ोसी की जड़ खोदते हैं, लेकिन बिना बात शादी लेनी है कोई नहीं आ करता। दुकानदारी में कोई भी आसका है, दुकानदारी में तो चोर भी आओगे सा भी आओगे, इसने के माथे लिख रखी किसी पे अकी चोर सके सा। फिलहाल जो है ये लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। चलो थोड़ा बाहर आ जाओ भाई, गर्मी है। अरे कौन पा के अंडरग्राउंड ईमानदार से काम करो, ऐसे बड़ू मारे है। अच्छा जी, और काम खाए पता नहीं कर रखी है लोग बिना बात की। हाँ बिना बात की। अरे विक्की एटी ठाके ऊपर देख, एक बार देख ऊपर पैडिया में जाओ, ऊपर एक बार जाइए, लाइट के लीजिए टुकड़ी टुकड़ी और टुकड़े टुकड़े तो सुने था भाई, टुकड़ी टुकड़ी आ रहा है। अच्छा टायर ये लाई नहीं है, ये पाया कि मैं विक्की? अरे वो खोल कर देख पेटी कदे उड़ा, उसमें 5,000 के दाब रहे हो, कदे टुकड़ी सोने की पाओ के देख एक बार ध्यान ते है टुकड़ी है। इस पर का बालक ईमानदार नहीं पाओगा। चलो आज भाई आज विक्की कि मैं दिखी ऊपर जाना। और चलो तो फिलहाल जो है हमने पूरे मामले की पड़ताल के लिए या देसी रेड मारी, जिसमें की देसी इन्वेस्टिगेशन हमने करी है, जिसमें फिलहाल तक मैंने नुका जी मन पकड़ लियो कि मैं चोरी हो तो। तो फिलहाल जो देसी इन्वेस्टिगेशन हमने करी है, ये देखो भाई गौआ की से, ये किसके हैं? अच्छा ये भाई ये बच्ची दीदी। तो संदीप भाई इब के करा गायो के करा, कानून पे विश्वास है, कोर्ट से नए न्याय लूंगा मैं, ये सच्चाई बताऊंगी, साची बोलियो जी। ये के नाम इसके ऊपर झूठे आरोप ला रखे जी। अच्छा। सारे और सारे पड़ोसिया में बड़का उठा लेके पुलिस वाले। अच्छा पड़ोस में तो बिठाए हैं बच्चे, छोटे बच्चे रोटी को तरसे ही इनके तड़फे थे, ठीक है ना? एक एक बच्चे रोटी तरसे ही इनके बेकसूर, बिल्कुल बेकसूर, जिनका कोई कसूर इतना कसूर है वो मेरे पास आके बैठते थे। अच्छा इतना ही कसूर था, उनको चोर बना दिया गया जो कि उनसे कोई कील पाती नहीं, वो उनकी माँ और उनके घर वालों ने कैसे कैसे दिहाड़ी मजदूरी करके उनसे को हाँ इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी है भाई, जो नौजवान बच्चे हैं उनको नशा देकर और गलत काम के लिए तैयार करना। अगर मैं खुद ही नशा नहीं करता मैं दूसरे को कैसे मेरा इन चीजों मोटरसाइकिल में मैं 2009 से करोड़पति हूँ, मैं हाँ 12 ट्रक थे मेरे पे, 6 ट्रक आज मेरे लाइव चल रहे हैं, 6 मैंने बेच दिए थे। एक थाना में भी है, मैं गांव के बालक उठा लिए थे उनके लिए मैं गया वहाँ, मैं सचो बैठा लिए तो मैं उनको छुटवाने के लिए गया तो उन्हें गाली गलौज करी, मैंने उसका मैं गाली गलौज ना दे, तेरा काम है लठ मारने का लठ मार, ओनू लाजी तू भी बैठ जा। तो उसने 10 लाख रुपए मांगे थे, कुछ ले दे गए, मैं क्या दूं कुछ कराया हुआ, यहाँ से निकाल दिए थे। फिर घर से वो रेलवे पुलिस ने उठाए है और SP अरमिंदर मीणा के पास रिश्वत गई है डायरेक्ट, और फोन बड़े बड़े मामले खुले लग रहे हैं वो है, और रेलवे में भी पैसे की डिमांड की गई है, वो मैं आपको कोर्ट में पेश करूंगा हर चीज की। बहुत बड़े बड़े रुपए की टूम जो मेरी माँ ने जमीन बेच के
अपने महस बेच के जोड़ रखी थी मेरी। कई बार पुलिस ने करे मेरे, क्योंकि मेरा घर अकेला अकेला है यहाँ। बहुत बड़ी डेयरी थी इनके पास, उनका आग्रह नहीं बोला। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी रईसी नहीं नहीं है। मैम थाना एसएचओ को मैंने रिश्वत दी है। रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध हो सकते हैं। मैं उसमें लेकिन क्या लठाई में दी गांव के नाम कटाने के लिए। आज फिर दोबारा फोन आग भाई इनकी गिरफ्तारी नहीं। मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं इनकी गिरफ्तारी कैसे। पांच लोगों का और नाम है गांव का, शुगर मिल का झूठा मुकदमा लगा दिया। चलो, संदीप गैंगस्टर तो कौन ही पाया, लेकिन संदीप के गांव में जो हमने रेड मारी है, एक मिनट जी, संदीप के गोदाम में और संदीप का घर जो हमने रेड मारी, आड़े AK-47 तो पाई नहीं, राइफल और हथगोले तो पाए को नहीं, लेकिन कुछ राजां पे पर्दा जरूर खुलिया है, जिसमें कि कुछ ईसा लगन लग गया कि प्रशासन भी कितने कितने दोषी है। ये वेरी सर्टिफाइड कॉपी है भाई साहब। अच्छा। हाँ। ये क्या की है? 2013 में मर्डर करता दिखाया हूँ, और जो बलैरो गाड़ी में 2015 में एजेंसी से निकलवा के लिया हूँ, 2 साल बाद और मैं इस गाड़ी में ले जाकर मर्डर कर दिया और लाश को बेरी नहर में डाल दिया। मले ऐसे ऐसे संगीन मामले लगाए गए, एक नहीं 9 मुकदमे। भाई यू जिस टाइम इस माल की खरीदारी होने लग रही थी, उस टाइम तो कितना मैं जेल के अंदर था ना। डबल रोल तो अंदर है, मेरे कोई डबल रोल नहीं है। और ये दिखाई गई है नहीं, प्रशासन तो न्यू दावा करने लग रहा है। अभी मारे द्वारा सारी फुटेज है और संदीप ने खरीदा है माल मामला या ठा के ले आया है, फिर संदीप जेल में भी है। दिवाली से एक दिन बाद दिखा दे भाई, दिवाली पे दिवाला ये रहा। दिवाली पे एक दिन बाद जोगिंदर को बुलाता, भाई तो आप यहाँ आओ और माल तोल दो 11 बजे। अच्छा। जो कि मैं जेल में 21 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जीन जेल में बंद था किसी मामले में। और ये गिरारी और ये जो 50 लाख की 20 लाख की दिखाई गई, जब ये मेरे पास वो छल्ले जो आप दिखा रहे थे, ये वो सिल्ली ये मेरे से दिखाई गई है, जो कि एक इससे प्रशासन से बट गए। फिलहाल जो है हमने अपने लेवल पे, हाँ जी, जो रेलवे पुलिस वाले हैं वो 4 गाड़ी बोलेरो और वो लेके आकर दे रहे इस मोहल्ले में उड़े थे, लेकिन उड़े थे और इस साइड में हर चौथे दिन हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर, गांव में इस मोहल्ले में हर घर के अंदर तलाशी लेते थे वो। ठीक है। पूरी गली में तलाशी ली, छतों पे चढ़ के तलाशी ली, किसी का कुछ नहीं पाया। अच्छा। तो फिर उन्होंने ये यहीं पर मेरे सामने की बात है, रेलवे पुलिस वाले जो है वो कह रहे फिर उठाने तो और हैं 50 लोग उठाने, कम से कम पूरी करनी है, गिनती पूरी करनी है, है? और यहाँ के जो मजदूर आदमी थे ना उनको भी उठा लिया। यहाँ के गांव के कुछ दबंग आदमी है जो बदमाश टाइप के हैं, उन लोगों ने कहा कि इनको सारे को उठा लो, ये पेटेंगे ना तो संदीप का नाम लेवेंगे और नाम लेवेंगे तो आपको फंस रहा है। मैं खुद थाना में गया था भाई साहब। अच्छा। मेरे को कोई नहीं है, मैंने बोला इन गरीब लोगों को ले जा रहे हो, मेरे दी ऐसा चुनू ला तू आगे कैसे बैठ गया। मैं बैठ गया, मैं इनका क्या कसूर आज तक ये थाना में नहीं गए, इनको कैसे वहां गया तो फिर वहां जाके फिल्म बना ली, वहां बैठा लिया, फिर क्या दिखाया बाद में, मैं तो वहां था, फिर मेरे घर पे दिखाया भाई। फिलहाल जो है इन तस्वीरों पर छोड़ के तरती जान लग रहे, बाकी फाइल इबे बंद को नहीं कर दे, या जो फाइल है इबे बंद को नहीं कर दे। यदि यदि इस मामले में प्रशासन भी दोषी होगा तो प्रशासन की भी पोल खोलेंगे, प्रशासन की भी पोल खोलेंगे। और इस मामले के जो तार जुड़ रहे हैं, अरदोई की बात करा, गोहाना की बात करा, या फिर दुबई कनेक्शन की बात करा, तो सारे कनेक्शन ये जो जो खंबा पे कुंडी कनेक्शन होगा नी भाई, और वो कितने तक कनेक्शन है जी, लाइट चली जाग रहे। तो फिलहाल इसमें कुंडी कनेक्शन किसने कर रखा है, किसने गलत कनेक्शन जोड़ रखे हैं, सारे की पोल खोलेंगे, रजाई का उछाड़ सा उधेड़ेंगे। तो फिलहाल मारवाड़ी जो इन्वेस्टिगेशन थी इसमें कोई इस तरह का पूरी देड़ दे। हाँ। खोट को नहीं छोड़ेगा। रेलवे इंस्पेक्टर ने खुद चलान लेट कराया कि भाई मैं तू निर्दोष बंद हो गया, इसे चार्जशीट लेट होना एक पुलिस की कार्य प्रणाली पर निशाना है ये। चलो, या तो पैसे दे गए होता है या किसी बड़ी सिफारिश हो। चलो भाई, कुछ और दस्तावेज हमारे हाथ लग गए हैं, इनकी भी फिर हम देसी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इस मामले की पूरी जानकारी खातर बने रहो संसार क्रांति के गिल्ले, और वीडियो ने कर दो जिला के शेयर शेयरिंग का दर दो फतूर, ताकि खुलासा उसका जरूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।